नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेजेपी चल रही बैसाखियों के सहारे। वहीं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह उचाना हलका में विकास नहीं करवा पाए। रेणुका बिश्नोई बोली भजन लाल परिवार ने 36 बिरादरी की है राजनीति। अपने पुत्र भव्य बिश्नोई के प्रचार अभियान में जुटी रेणुका बिश्नोई। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, भिवानी के भवानी खेड़ा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की पुत्र वधु हिसार लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अपने पुत्र भव्य बिश्नोई के चुनाव प्रचार के लिए भी पहुंची और उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस अवसर पर रेणुका बिश्नोई ने पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के विकास कार्यों को आगे रखते हुए बेटे के लिए वोट मांगे। रेणुका ने समर्थकों को संबोधित करते हुए भाजपा व जेजेपी के नेताओं पर चुटकुले लेते हुए कहा कि जेजेपी ने नेता बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं और अब 4-5 दिन से कांग्रेस के पीछे गठबंधन के लिए पड़े हुए हैं। इससे पहले वे आप पार्टी को बैसाखी बनाकर चल रहे हैं लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन समझ ये नहीं आता कि वे जनता के बीच क्या मुद्दे लेकर जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के कुशासन से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा क्षेत्र में गांव विकास के लिए तरस रहे हैं। यही नहीं, वीरेंद्र सिंह का उचाना हलका भी 15 साल से विकास के क्षेत्र में पीछे है, लेकिन अब कांग्रेस विकास को अपना बड़ा मुद्दा बना करके जनता के बीच पहुंच रही है और जनता का उन्हें अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रवाद पर वोट मांगने और उस मुद्दे को उछालने पर कहा, भाजपा ने शुरू से ही आज़ादी दिलवाने वालों को देशद्रोही माना है या उनकी छोटी मानसिकता दर्शाती है। उन्होंने भेदभाव की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि भजनलाल परिवार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। तैयारियों क्योंकि आज सभी वर्ग जनता पार्टी के शासन से, चाहे स्टेट की बात करें चाहे सेंटर की बात करें, दुखी हो चुके हैं। तो आज एक बदलाव का माहौल बना हुआ है और आप नौ के नौ हलकों में जहाँ भी जाते हैं वो बढ़ चढ़ कर कांग्रेस पार्टी को सहयोग दे रहे हैं। देखिए, मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास है। विकास नाम की कोई भी चीज़ मौके न हल्कों में नहीं होगी। तो बात करना चाहिए तो उचाना की भी बात करें तो वीरेंद्र सिंह जी पिछले 15 साल मंत्री रहे हैं, चाहे वो स्टेट में रहे हो चाहे केंद्र में रहे, और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ उचाना हल्के की एक भी गाँव की यदि एक भी सड़क पक्की आपको देखने को नहीं मिली। देखिए, हमें किसी से कोई मुकाबला नहीं समझते। एक तरफा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिलेगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि अभी आने वाली सरकार केंद्र में कांग्रेस पार्टी की होगी। अगले हमारे प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी होंगे। देखिए, बिहार यदि जब भवानी खेड़ा में बैठे तो यदि भवानी खेड़ा की हम बात करें तो चाहे वो भजनलाल जी का शासनकाल रहा हो चाहे बुढ़ा साहब का शासनकाल हो, फौजी जी जब यहाँ से एमएलए रहे तो काफ़ी विकास कार्य यहाँ पर हुए। भजनलाल जी की बात करें तो जितने भी स्कूल अपग्रेड हुए वो सब स्कूल चौधरी भजनलाल जी ने अपग्रेड किए। 1995 में जब भयंकर बाढ़ आई थी तो सभी गांव में मुआवजा देने का काम चौधरी भजनलाल जी ने किया। उनके मंत्रिमंडल में उन्होंने जगन्नाथ जी की बात करें चाहे अमर सिंह दानव जी की बात करें, उनके समय भी यहाँ से मंत्री रहे। और रही बात फौजी साहब के समय की, तो आईटीआई लेके आए हैं, गर्ल्स कॉलेज लेके आए हैं, माइनस बनवाए हैं, तो मैं नहीं समझती किसी भी प्रकार का भेदभाव कांग्रेस पार्टी के दल में भवानी खेड़ा हल्के के साथ रहे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी और भजनलाल जी का परिवार ये सभी 36 बिरादरी के नाम राजनीति करते हैं। हमारे लिए सभी 36 बिरादरी बराबर है और हमें सहयोग पूर्ण रूप से सभी 36 बिरादरी से मिले। तो यहाँ तो कोई एक जाति विशेष के खिलाफ या पक्ष में होने की कोई बात ही नहीं है। देखिए, मुझे हंसी आती है इनकी बातों में कि जो जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनको तो देशद्रोही कहते हैं। और उसी तरह
सिर्फ एक चुनावी स्टंट जो पुलवामा का है, मैं तो कहती हूँ चुनावी स्टंट रहा है, वो सिर्फ चुनाव से पहले लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने ये स्टंट किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वोटर आज बहुत समझदार हो चुके हैं। आज इन जुमले बाजों में ये एक बार दोबारा नहीं फंसेगी। 2014 में एक बार जनता गलती कर चुकी है, लेकिन वो गलती दोबारा ये समझदार जनता नहीं दी। मैं तो नहीं समझती कि उनको तो स्थिति भी थी। आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से कैसे बैसाखियों का सहारा लेने में पूर्ण रूप से जुटे हुए थे। आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस की बात की और 4 दिन से कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं कि जिस भी प्रकार से वो हरियाणा में भी अलायंस कर ले। तो जिस पार्टी का खुद को वजूद ही नहीं है, जिन्होंने पिछले चुनाव में भाईचारा खराब करने की बात की, आज उनके खुद के घर में फूट पड़ी है। तो जनता इन लोगों की जो गुमराह करने भ्रष्ट लोगों की गुमराह और झूठे लोगों का साथ देने से हर रूप से पीछे।